दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स जो कि आते हैं 15,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर, जो इस प्राइस कैटेगरी में बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। इस प्राइस रेंज में बहुत सारे 4G और 5G स्मार्टफोन्स आते हैं जिनमें आपको डिसेंट फीचर्स और स्पेसिफिकेशन मिलते हैं। उन्हीं में से हमने ऐसे 5 स्मार्टफोन सिलेक्ट किए हैं जिनमें आपको हाई परफॉर्मिंग प्रोसेसर, 108 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप, 120 हर्ट्ज़ फास्ट रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले, बड़ी बैटरी विद फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और 5G कंपैटिबिलिटी जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। दोस्तों इंडिया में अभी 5G की टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, अगले कुछ महीनों में इंडिया में 5G लॉन्च हो सकता है। इस वजह से इस लिस्ट में हमने 3 5G फोन्स और 2 4G फोन्स को शामिल किया है जिनमें आपको हाई एंड परफॉर्मेंस और बेस्ट कैमरा क्वालिटी मिल जाती है। और साथ ही लास्ट में 2 ऐसे फोन बताऊंगा जिन्हें इस लिस्ट में शामिल नहीं किया लेकिन वो भी डिसेंट स्पेसिफिकेशन और फीचर के साथ आते हैं, उन्हें भी आप कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों इन सभी फोन्स की रैंकिंग हमने सिर्फ उनके परफॉर्मेंस और प्रोसेसर के हिसाब से की है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी रैंकिंग अलग हो सकती है। अगर आपका बजट भी 15,000 के आसपास है और इस प्राइस में आप एक बेस्ट स्मार्टफोन लेने की सोच रहे तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे इन सभी के डिटेल स्पेसिफिकेशन फीचर्स और जानेंगे इनमें से फोन किस प्राइस में लेना सही रहेगा। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। तो नंबर 5 पर आता है लेटेस्ट इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो। दोस्तों नंबर 5 और नंबर 4 के दोनों ही फोन 4G होने वाले हैं। आता है बॉक्सी डिजाइन और मेटल फिनिश के साथ जो दिखने में काफी प्रीमियम और स्लिम लगता है। आता है 6.7 इंचेस की फुल HD AMOLED डिस्प्ले के साथ जिसमें 1000 निट्स की पिक ब्राइटनेस मिलती है। इसमें नॉर्मल 60 FPS रिफ्रेश रेट मिलता है। आता है MediaTek Helio G96 12nm 4G प्रोसेसर के साथ जो बजट सीरीज का एक पावरफुल प्रोसेसर है जो ज्यादातर गेमिंग वगैरह में बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल के देता है। इसका अंदर स्कोर इस फोन के साथ 3,20,000 से भी ज्यादा आता है। या तो 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ इसमें 50 मेगापिक्सल वाइड, 2 मेगापिक्सल डेप्थ और एक QVGA सेंसर मिलता है और फ्रंट की तरफ आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिल जाता है। इसमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी आती है और उसे चार्ज करने के लिए 33 वाट का फास्ट चार्जर मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें आता है ड्यूल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0 और 4G का सपोर्ट मिलता है। इसमें 5G और NFC का सपोर्ट नहीं मिलता। इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आता है, उसी के साथ ड्यूल स्पीकर और 3.5mm का ऑडियो जैक भी मिल जाता है। या तो 5GB की वर्चुअल रैम एक्सपेंशन के साथ और इसमें लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम आउट ऑफ द बॉक्स मिलती है। इसका 8GB 128GB का वेरिएंट फ्लिपकार्ट पर 15,000 में मिल जाता है। अगर आपको गेमिंग के लिए एक फोन चाहिए तो आप इसके साथ जा सकते हैं। इसमें एवरेज कैमरा क्वालिटी मिलती है और फास्ट रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले नहीं मिलती, इस वजह से इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर आता है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। तो नंबर 4 पर आता है रेडमी नोट 11S। अगर आपको इस प्राइस रेंज में एक बेस्ट कैमरा सेटअप वाला फोन चाहिए तब आप इसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि इसमें 108 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है। लेकिन ये 4G फोन है, इसमें 5G का सपोर्ट नहीं मिलता। इसमें आपको फ्रंट की तरफ गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलती है और IP53 10x स्प्लैश प्रोटेक्शन रेटिंग के साथ आता है। या तो 6.43 इंचेस की AMOLED डिस्प्ले के साथ जिसमें 90 हर्ट्ज़ फास्ट रिफ्रेश रेट और 1000 निट्स की पिक ब्राइटनेस मिल जाती है। ये भी आता है MediaTek Helio G96 4G प्रोसेसर के साथ जो बजट सीरीज का एक पावरफुल प्रोसेसर है, जिसका अंदर स्कोर इस फोन के साथ 3,30,000 से भी ज्यादा आता है। या तो कमाल के कैमरा सेटअप के साथ इसमें 108 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें 108 मेगापिक्सल वाइड, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर आता है और फ्रंट की तरफ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिल जाता है। या तो 5000 mAh की बैटरी के साथ और उसे चार्ज करने के लिए 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल जाता है। इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और उसी के साथ सभी सेंसर्स मिल जाते हैं। इसमें LPDDR4X रैम टाइप और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिल जाता है। या तो 6GB 64GB, 6GB 128GB और 8GB 128GB के 3 वेरिएंट के साथ, जिसका 6GB 64GB का बेस वेरिएंट 16,000 से शुरू होता है जो ऑफर के साथ 15,000 के अंदर मिल जाता है। अगर आपको एक बेस्ट कैमरा डिवाइस चाहिए तो इस प्राइस में आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इस वजह से रेडमी नोट 11S हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर आता है। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ। तो नंबर 3 पर आता है Realme 9 5G। यह आता है स्टाइलिश और प्रीमियम डिजाइन के साथ और इसमें पॉलीकार्बोनेट बिल्ड क्वालिटी मिलती है। यह आता है 6.6 इंचेस की फुल HD IPS LCD डिस्प्ले के साथ जो 90 हर्ट्ज़ फास्ट रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज़ टच सैंपलिंग रेट के साथ आती है। इसमें 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी मिल जाती है। यह आता है MediaTek Dimensity 810 6nm 5G प्रोसेसर के साथ जो शानदार परफॉर्मेंस निकाल के देता है, उसी के साथ गेमिंग और मल्टीटास्किंग में भी कोई इशू नहीं आता। इसका अंदर स्कोर इस फोन के साथ 3,70,000 के आसपास देखने मिलता है। या तो 48 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ जिसमें 48 मेगापिक्सल वाइड, 2 मेगापिक्सल मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है और फ्रंट की तरफ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिल जाता है। प्राइस के हिसाब से इसमें आपको ठीक ठाक कैमरा सेटअप मिलता है। या तो 5000 mAh की बैटरी के साथ और उसे चार्ज करने के लिए 18 वाट का चार्जर मिलता है जो इसकी बैटरी को चार्ज करने के लिए 2 घंटे का समय लगाता है। इसमें LPDDR4X रैम टाइप और UFS 2.1 स्टोरेज टाइप मिलता है। या तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ उसी के साथ सभी सेंसर्स मिल जाते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें आता है ड्यूल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.1, 4G डुअल स्टैंडबाई 5G का सपोर्ट मिलता है और इसमें 5GB की वर्चुअल रैम एक्सटेंशन भी मिल जाती है। या तो 4GB 64GB और 6GB 128GB के 2 वेरिएंट के साथ, जिसका 4GB 64GB का बेस वेरिएंट 15,000 में मिलता है और ऑफर के साथ और भी कम प्राइस में मिल जाता है। प्राइस के हिसाब से इसमें आपको डिसेंट परफॉर्मेंस मिलता है और साथ में 5G का सपोर्ट भी मिल जाता है। 15,000 के अंदर Realme की तरफ से आने वाला ये वन ऑफ द बेस्ट 5G स्मार्टफोन है। इस वजह से Realme 9 5G हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर आता है। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ। तो नंबर 2 पर आता है Samsung F20
S23 5G। ये फोन सैमसंग के बाकी बजट सीरीज के फोन की तरह ही लगता है, बैक की तरफ से ज्यादा प्रीमियम लगता है और ये भी पॉलीकार्बोनेट बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। यह आता है 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस TFT डिस्प्ले के साथ, जो 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट के साथ आती है। इसमें डिसेंट डिस्प्ले क्वालिटी देखने मिलती है। यह आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G A10M 5G प्रोसेसर के साथ। ये डायमेंसिटी 810 से थोड़ा ज्यादा परफॉर्मेंस निकाल के देता है। मल्टीटास्किंग और गेमिंग में इसमें कोई इशू नहीं आता। इसका अंदर स्कोर इस फोन के साथ 380,000 के आसपास देखने मिलता है। यह आता है 50 MP के ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ, जिसमें 50 MP वाइड, 8 MP अल्ट्रा वाइड और 2 MP का मैक्रो सेंसर मिलता है और फ्रंट की तरफ 8 MP का सेल्फी सेंसर मिलता है। इसमें डिसेंट कैमरा क्वालिटी मिल जाती है। यह आता है 5000mAh की बैटरी के साथ और उसे चार्ज करने के लिए इसमें 25W का चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, लेकिन आपको बॉक्स में चार्जर नहीं मिलता। यह आता है LPDDR4X रैम टाइप और UFS 2.1 स्टोरेज टाइप के साथ और इसमें 4GB की वर्चुअल रैम एक्सटेंशन भी मिल जाती है। यह आता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ और उसी के साथ एक्सेलेरोमीटर, जायरोमीटर, कंपास, प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी मिल जाते हैं। इसमें लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम आउट ऑफ द बॉक्स मिलती है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ड्यूल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, 4G ड्यूल स्टैंडबाय 5G और NFC का भी सपोर्ट मिल जाता है। यह आता है 4GB 64GB और 6GB 128GB के दो वेरिएंट के साथ, जिसका 4GB 64GB का वेरिएंट 15,000 में मिल जाता है। दोस्तों, इस प्राइस में आपको डिसेंट परफॉर्मेंस और फीचर्स ऑफर करता है। अगर आपको एक नॉन चाइनीज ब्रांड का फोन लेना है तो सैमसंग F23 5G आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है। इसलिए सैमसंग F23 5G हमारे लिस्ट में नंबर 2 पर आता है। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलते हैं नंबर 1 की तरफ। तो नंबर 1 पर आता है iQOO G6। दोस्तों, ये फोन Vivo T1 5G का रीब्रांड वर्जन है। दोनों सेम स्पेसिफिकेशन और फीचर के साथ आते हैं, सिर्फ दोनों की प्राइस में डिफरेंस है। iQOO G6 Vivo T1 5G से थोड़ा सस्ता है और इसमें लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिलती है, इसलिए हमने इस लिस्ट में iQOO G6 को शामिल किया है। यह आता है 6.58 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले के साथ, जो 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट के साथ आता है। इसमें डिस्प्ले क्वालिटी शानदार देखने मिलती है। यह आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 6nm 5G प्रोसेसर के साथ, जो नियर फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस निकाल के देता है, क्योंकि इसका अंतुदु स्कोर 400,000 से भी ज्यादा आता है, जो इस प्राइस में काफी इंप्रेसिव लगता है। यह आता है 50 MP के ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ, जिसमें 50 MP वाइड, 2 MP मैक्रो और 2 MP का डेप्थ सेंसर मिलता है और फ्रंट की तरफ 16 MP का सेल्फी सेंसर मिल जाता है। इसमें भी आपको डिसेंट लेवल की कैमरा क्वालिटी मिल जाती है। यह आता है 5000mAh की बैटरी के साथ और उसे चार्ज करने के लिए इसमें 18W का चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, जो इसकी बैटरी को चार्ज करने के लिए 2 घंटे लगाता है। यह आता है LPDDR4X रैम टाइप और UFS 2.1 स्टोरेज टाइप के साथ और इसमें आपको 4GB की वर्चुअल रैम एक्सपेंशन भी मिल जाती है। इसमें आता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और उसी के साथ सभी सेंसर्स मिल जाते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें आता है ड्यूल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.1, 4G ड्यूल स्टैंडबाय 5G और FM रेडियो का भी सपोर्ट मिलता है। यह आता है 4GB 64GB 6GB 128GB और 8GB 128GB के तीन वेरिएंट के साथ, जिसका 4GB 64GB का बेस वेरिएंट 14,000 में मिल जाता है। दोस्तों, सबसे कम प्राइस में इसमें आपको सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस मिलती है और साथ ही बाकी फीचर्स भी डिसेंट मिल जाते हैं। अगर आपको मल्टीटास्किंग और डिसेंट गेमिंग के लिए एक फोन चाहिए तो आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है। इसकी परफॉर्मेंस की वजह से iQOO G6 हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर आता है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात करते हैं दो ऐसे फोन्स की जिन्हें इस लिस्ट में शामिल नहीं किया, लेकिन आप उन्हें भी कंसिडर कर सकते हैं। तो पहला है पोको M4 Pro 5G। ये एक 5G फोन है। यह आता है डायमेंसिटी 810 6nm 5G प्रोसेसर के साथ। इसमें 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले और 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट मिलता है। यह आता है 50 MP के ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ। इसका 4GB 64GB का वेरिएंट 15,000 के अंदर मिल जाता है, इसे भी आप कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा है Redmi Note 10 Pro। ये एक 4G फोन है जो एक साल पहले लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी भी अपनी बेस्ट कैमरा क्वालिटी के लिए जाना जाता है। यह आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G इस शानदार प्रोसेसर के साथ, जिसका अंतुदु स्कोर इस फोन के साथ 330,000 से भी ज्यादा आता है। इसमें 6.67 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है और साथ में 64 MP का क्वाड कैमरा सेटअप भी मिल जाता है। ऑफर के साथ ये फोन फिलहाल 15,000 के अंदर मिल जाता है। अगर आपको बेस्ट कैमरा सेटअप वाला फोन चाहिए तब आप इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको सबसे कम प्राइस में एक 5G फोन चाहिए तब आप Redmi Note 10 के साथ भी जा सकते हैं। ये फोन सिर्फ 12,000 रुपए में मिलता है। फिलहाल सबसे कम प्राइस में यही 5G फोन अवेलेबल है, जो डिसेंट फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये थे हमारे टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स जो कि आते हैं 15,000 रुपए के प्राइस रेंज के अंदर। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करें और अगर चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।